बच्चों, पिछले क्लास नाइन्थ के दो वीडियोस में मैंने बताने का प्रयास किया था कि किंग लुईस 16 फ्रांस की गद्दी पर 1774 में बैठता है। इसके बाद फिर मैंने बताया था कि फ्रेंच की सोसाइटी तीन स्टेट्स में बटी हुई थी। आज हम आपको बता रहे हैं, जो हमारा ये वीडियो है उसमें ये फ्रेंच की सोसाइटी का जो डिवीजन था वो किस तरह से था। ये तीन स्टेट्स में बटे हुए थे। जो पहला स्टेट था वो था क्लर्जी। हु वर क्लर्जीज? इट वाज अ ग्रुप ऑफ पर्संस इन्वेस्टेड विद द स्पेशल फंक्शंस इन द चर्च, पहला स्टेट। और दूसरा जो स्टेट था वो नोबल्स कहे जाते थे। दे वर द ऑफिसर्स अपॉइंटेड बाय द किंग एंड द लैंडलॉर्ड्स। और जो थर्ड स्टेट था, थर्ड स्टेट में शामिल थे बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिसर्स, लॉयर्स, टीचर्स, इंजीनियर्स, पेजेंट्स, आर्टिसंस, लेबर्स एंड सर्वेंट्स एटसेट्रा। अगली चीज जो हम समझना चाहते हैं वो कि ये स्टेट्स जो फ्रेंच सोसाइटी में थी, इसका सिस्टम क्या था। ये हम अपनी अगली हेडिंग के थ्रू समझाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली बात कि फ्रेंच की सोसाइटी में जो टोटल पॉपुलेशन थी उसका 90% लगभग अकेले पीजेंट्स थे, यानी किसान थे। उसमें कुछ छोटे थे, कुछ बड़े थे, और उन किसानों में से भी सिर्फ कुछ किसानों के पास कल्टीवेटेड लैंड थी जिस पर वो खेती कर सकते थे। और जो टोटल कल्टीवेटेड लैंड था उसका 60% वाज ओन्ड बाय नोबल्स, चर्च एंड द रिचर सेक्शन ऑफ द थर्ड स्टेट। क्लर्जी और नोबल्स यानी फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट, इनके पास कुछ प्रिविलेजेस थे, इनके अपने विशेषाधिकार थे। एंड दोज प्रिविलेज वेयर बाय बर्थ। What were those privileges? They were exempted to pay the tax. यानी इन दोनों states को tax नहीं देना होता था। The nobles further enjoyed feudal privileges like feudal dues, which they extracted from the peasants. और जो nobles थे इनके पास एक feudal विशेषाधिकार था, वो ये था कि ये अपने लिए अलग से भी किसानों से टैक्स ले सकते थे। जो बहुत इंपॉर्टेंट बात कही जा सकती है वो ये कही जा सकती है कि द बर्डन ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज बाय ऑफ द स्टेट थ्रू द टैक्सेस वाज बॉर्न बाय द थर्ड स्टेट। यानी राजा का जितना भी फाइनेंशियल एक्सपेंस होता था वो टैक्स के द्वारा सिर्फ थर्ड स्टेट को चुकाना पड़ता था, उन मर्चेंट्स को चुकाना पड़ता था, बिजनेसमैन को चुकाना पड़ता था, सर्वेंट्स और किसानों को चुकाना पड़ता था। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि वो टैक्स किस तरह से लिए जाते थे। और जो टैक्स रिसीव किए जाते थे वो थर्ड स्टेट को फेडरल यानी दो तरह का टैक्स उनको देना पड़ता था। पहला थीसिस कहा जाता था जो उन्हें चर्च को देना पड़ता था, और दूसरा ये टैली नाम था जो डायरेक्ट टैक्स वो स्टेट के नाम से पे करते थे। यानी पूरा टैक्स पे करने का बर्डन सिर्फ थर्ड स्टेट के लोगों पर ही था। इवन दो दे वर पुअर्स, दे वर हैविंग वेरी लेस अमाउंट ऑफ द कल्टीवेटेड लैंड, स्टिल दे वर बाउंड टू पे द टैक्सेस। इतना समझने के बाद अब हम अपने अगले वीडियो में और कौन से कारण थे रिवॉल्यूशन के वो बताने का प्रयास करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।